नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावन माह के सातवें सोमवारी यानी आगामी 21 अगस्त 2023 को मानगो गांधी मैदान आयोजित होने वाले विराट भजन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर शिरकत करेंगी। इसकी जानकारी जय महाकाल सेवा संघ ने एक वार्ता के दौरान दी। जानकारी देते हुए जय महाकाल सेवा संघ के मुख्य संरक्षक नीरज सिंह ने बताया कि इस भजन संध्या कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर, भजन गायक सुनील छला बिहारी और भजन गायिका देवी अपने भजनों से बाबा भोले के भक्तों को झुमाएंगे। कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए नीरज सिंह ने कहा कि संघ की ओर से 400 फुट लंबा जल रोधक पंडाल बनाया गया है, जिसमे लगभग 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही दर्शकों को भजन संध्या देखने में किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए 40 फुट की एलईडी साथ ही पंडाल के बीच में दो एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। वहीं 30 फुट की आदि योगी की प्रतिमा और बर्फ से बने बाबा बर्फानी की प्रतिमा कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रहेगा। पूरे पंडाल और बाहरी हिस्से सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। वहीं 20 अगस्त को मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। नमस्कार, जय महाकाल। आज ये विशेष प्रेस वार्ता में आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बार भी जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा मानगो के गांधी मैदान में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पहली बार जमशेदपुर में एक साथ तीन तीन जो देश के बड़े कलाकार हैं, तीन कलाकारों के द्वारा भजन प्रस्तुति का आगाज होगा। और उससे एक और इसमें इस प्रोग्राम में एक बहुत मुख्य आकर्षण का केंद्र, जो कि 28 फीट के आदि योगी जी का जो आकृति बनाया जा रहा है, वो उसकी भव्यता देखने लायक होगी। और इस भजन संध्या में लगभग जो बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की है। बहुत भव्य तरीके से इस भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं और इसकी प्रचार प्रसार भी बहुत जोर शोर से हो रही है। लोगों से मेरा आग्रह है, अपील है कि इस भजन संध्या में लोग आए और इस भव्य भजन संध्या का आनंद उठाएं। मुख्य रूप से जो कलाकार हैं वो शहनाज अख्तर हैं और छैला बिहारी और देवी जी हैं। और एक दिन पहले जो और 20 तारीख को हमारा एक रुद्राभिषेक, हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं 20 तारीख को सुबह 8 बजे से लेके वो 1 बजे तक चलेगा। उसमें प्रसाद की भी व्यवस्था है, तो सभी से अपील है कि रुद्राभिषेक में भी शामिल होकर। रुद्राभिषेक कहाँ पर होगा? ये हनुमान मंदिर गांधी मैदान के पास। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।